हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन समझेंगे। दोस्तों, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन कभी कभार बैंकिंग एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल रीजनिंग के पजल्स की तरह होते हैं, जिनमें इंफॉर्मेशन आपको एक इबारत की फॉर्म में दे दी जाती है। आपको उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चन को पूरी तरह सॉल्व करना होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बेसिक से एग्जांपल की मदद से, जो क्लर्क लेवल में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, इन ए कॉन्फ्रेंस टोटल 240 स्टूडेंट्स आर देयर। आउट ऑफ देम 25% नो लेटिन, 50% नो फ्रेंच एंड 62.5% नो इंग्लिश। 10 स्टूडेंट्स नो ऑल थ्री लैंग्वेजेस। 8 of 1/3% of students know Latin and French but does not know English, and the same number of students know Latin and English but does not know French। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो टोटल स्टूडेंट जो हमें दिए हैं वो है 240। उसके बाद कहा गया है आउट ऑफ देम 25% नो लेटिन। अब हम 240 का 25% निकाल लेंगे। ठीक है, तो लेटिन बोलने वाले हमारे पास आ गए हैं 62 स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें दिया गया है 50% नो फ्रेंच, यानी कि 240 का हम 50% निकाल लेंगे, यानी कि आ गया हमारे पास 120, यानी कि फ्रेंच बोलने वाले हमारे पास 120 स्टूडेंट्स हैं। और इसके बाद हमें दिया गया है 62.5% नो इंग्लिश, पच्चीस छिंग 150, यानी कि इंग्लिश बोलने वाले हमारे पास 150 लोग हैं। इसके अलावा हमें दिया गया है 10 स्टूडेंट नो ऑल थ्री लैंग्वेज, तो हम यहाँ पे ऑल थ्री लिख लेते हैं, जो कि सारी भाषा बोलते हैं, वो लोग हैं 10। ठीक है, अब हमें दिया गया है कि 8 of 1/3% स्टूडेंट्स लेटिन एंड फ्रेंच दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब हमें दिया गया है कि 8 of 1/3% ऑफ 240 लेटिन एंड फ्रेंच बोलते हैं। 8 of 1/3 को हम लिख सकते हैं 25/3 ऑफ 240/100, 1 times 4 times 60 times 20 times, यानी कि जो हमारे पास लेटिन और फ्रेंच बोलने वाले टोटल हैं वो है 20। इसको हम एल प्लस एफ करके 20 लिख लेते हैं। अब हमसे कहा गया है कि द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नो लेटिन एंड इंग्लिश बट डज नॉट नो फ्रेंच। अब उसने हमको बता दिया है कि लेटिन और इंग्लिश बोलने वाले उतने ही हैं जितने कि लेटिन और फ्रेंच बोल रहे हैं, यानी कि इसको हम 20 लिख लेते हैं। दोस्तों, अब हमें यहाँ से फाइंड करना है वो लोग जो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। तो इसके लिए अब हम यहाँ से एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, और ये मेरे पास फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, और ये मेरे पास लेटिन बोलने वाले लोग हैं। अब यहाँ पर ये लोग वो हैं जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं, ये लोग वो हैं जो फ्रेंच और लेटिन बोलते हैं, ये लोग वो हैं जो इंग्लिश और फ्रेंच बोलते हैं, और ये लोग वो हैं जो इंग्लिश और लेटिन बोलते हैं, और इसके अलावा ये लोग वो हैं इंडिपेंडेंट, जो सिर्फ फ्रेंच बोल रहे हैं, जो सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं, और जो सिर्फ लेटिन बोल रहे हैं। अब हम यहाँ से इसमें डिटेल फिल करना चालू करते हैं। तो हमें दिया गया है कि 10 लोग ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं, तो यहाँ हम 10 लिख लेते हैं। इसके अलावा
हमें दिया गया है कि लैटिन और फ्रेंच बोलने वाले 20 लोग हैं। लैटिन और फ्रेंच बोलने वाले हमारे पास 20 लोग हैं, तो लैटिन फ्रेंच को हम यहाँ फिल कर देते हैं। लैटिन कह रही है, फ्रेंच कह रही है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको हम यहाँ फिल कर देते हैं। इसके अलावा लैटिन और इंग्लिश बोलने वाले 20 लोग हैं, तो लैटिन और इंग्लिश का कॉमन एरिया ये है, यहाँ भी हम 20 फिल कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास निकल आया है इन तीनों सेक्शन का जो भी हमारे पास डिटेल है वो निकल आया है। अब हम देखेंगे लैटिन बोलने वालों के पास हमारे पास टोटल 60 है, जिसमें से 20 10 और 20 यानी कि टोटल 50 लोग निकल चुके हैं, तो इसको हम 60 में से माइनस कर देंगे। तो 60 माइनस 50 यानी कि 10, तो 10 लोग सिर्फ ऐसे हैं जो सिर्फ लैटिन बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिर हमें ये फाइंड करना है 1, 2 और 3, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हमें यह दिया गया है कि इंग्लिश बोलने वाले टोटल 150 हैं और फ्रेंच बोलने वाले 120 हैं। तो इसे फाइंड करने के लिए हम इस एरिया को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और अब अगर हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो हमें इंग्लिश की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पर हमें इंग्लिश बोलने वालों में से 30 लोग पता चल चुके हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि 150 में से 30 लोगों में पता चल चुके हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। अब बचे हमारे पास 120 लोग, उन 120 लोग में से एक्स यहाँ पर आ जाएंगे, बाकी लोग यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो 120 माइनस एक्स। उसी तरह फ्रेंच बोलने वाले हमारे पास 120 पीपल हैं, ठीक है, जिसमें से हमें 20 और 10 30 पता चल चुके हैं, यानी कि अब हमें 90 में से निकालने हैं कि कितने स्टूडेंट केवल फ्रेंच बोल रहे हैं और कितने इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोल रहे हैं, यानी कि 90 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम 120 माइनस एक्स लिख देते हैं और यहाँ पर हम 90 माइनस एक्स लिख देते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर जानते हैं कि इन सर्कल की सारी डिटेल्स को अगर हम टोटल करें तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलना चाहिए, जो कि हमारे पास 240 है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन तीनों सर्कल्स की सारी डिटेल को टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी हमने लिखा था उसमें मिटा देता हूँ। वन ट्वेंटी माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स और प्लस 10, 20, 30, 30, 60 प्लस 60 इक्वल्स टू हमें 240 मिलना चाहिए। यहाँ x x x को कैंसिल कर देते हैं, 120 प्लस 90 हमारे पास 210 हो जाएगा, माइनस x प्लस 60 इक्वल्स टू 240। ठीक है, अब 210 प्लस 60 270, माइनस x इक्वल्स टू 240 माइनस 270 यानी कि माइनस x इक्वल्स टू माइनस 30। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, x हमारे पास 30 आ गया है। अब x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 30 हो गई और 120 माइनस 30 हमारे पास 90 बचेगा और 90 माइनस 30 हमारे पास 60 बचेगा। इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वो देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर हु नो बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच बट डू नॉट नो लैटिन। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश और फ्रेंच दोनों जानने वाले लोग कितने हैं। तो हम देखेंगे दोनों जानने वाले कॉमन एरिया ये है, तो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोलने वाले लोग हुए 30, तो पहले का आंसर आएगा 30। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु नो ओनली फ्रेंच। सिर्फ फ्रेंच जानने वाले कितने लोग हैं, हम जानते हैं सिर्फ फ्रेंच का एरिया ये है, तो सिर्फ फ्रेंच जानने वाले 60 लोग हैं। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु नो एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, यानी कि एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। तो हम जानते हैं इंग्लिश वाले 90 हैं, फ्रेंच वाले 60 हैं और लैटिन वाले 10 हैं। इसको हम टोटल कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 90 और 60 हो जाएगा 150 प्लस 10 यानी कि 160। चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु नो एग्जैक्टली टू लैंग्वेज। दो भाषाएं जानने वाले कितने लोग हैं जो सिर्फ दो भाषाएं जानते हैं। तो कॉमन एरियाज देख लेते हैं दो भाषाओं का, इंग्लिश लैटिन का ये रहा, लैटिन फ्रेंच का कॉमन ये रहा, और इंग्लिश और फ्रेंच का कॉमन एरिया ये रहा, या इन दोनों को हम टोटल कर देंगे 20 20 40 40 और 30 70। इसका आंसर हो जाएगा 70। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो एट मोस्ट
टू लैंग्वेज, अधिकतम दो भाषा जानने वाले कितने लोग हैं अधिकतम, यानी कि इसमें जो सिंगल भाषा बोल रहे हैं वो भी शामिल होंगे और दो बोलने वाले, ठीक है? तो 90 और 60, 150 और 10, 160, 180, 200, 230। उम्मीद है दोस्तों केस स्टडी के बेसिक्स तो आपको इस क्वेश्चन की सहायता से सॉल्व हो गए होंगे। इसके अलावा पीओ लेवल के, हार्ड लेवल के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मेरे चैनल से कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।